इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिससे कि आप कोई भी इंग्लिश का सॉरी कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। एक ऐसी ट्रिक जो कि आपको कोई भी सेंटेंस आ जाए वो आपको मदद करेगी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, जो उस ट्रिक के बेस्ड 99% सेंटेंसेस, यस यू आर लिसनिंग राइट, 99% सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उस ट्रिक की मदद से, ठीक है, जो कि मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, हम एक ट्रिक देखेंगे जिसमें कि हम सीखेंगे कि हमें कोई भी सेंटेंस मिल जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, पर हम उसे इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखो तो क्या है हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस, क्या देख रहे हैं आप, श्याम आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो श्याम आपका इंतजार कर रहा है, तो ये चीजें सब जो भी मैंने सेंटेंसेस शेयर किए हैं ये टेंस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने एक भी यहां से एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम। क्या लिखा है, श्याम आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, ये ट्रिक आपको 99% रिजल्ट देगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखो आपको भी पता है कि इंग्लिश कैसे चलती है, उल्टी चलती है। कैसे चलती है, उल्टी चलती है। ठीक है, तो उल्टी कैसे चलती है, अब उसको मैं आपके सामने चलाकर बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो सेंटेंस है हमारा हिंदी का। ठीक है, आपके सामने कोई सा भी हिंदी का सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ट्रिक ये है। ठीक है, अब क्या होगा, उल्टी चलती है तो हम भी उल्टी चलेंगे। ठीक है, हम भी उल्टा ही चलेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक तीर ऐसे बना दिया और चार तीर ऐसे बना दिए, ये क्या कौन सी ट्रिक हुई, तो आपको अभी समझ में आएगा कि कैसे ये ट्रिक है और कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंग्लिश उल्टी चलती है। कैसे चलती है इंग्लिश, उल्टी चलती है। ठीक है, तो उल्टी चलती है तो उसे उल्टी चलाएंगे, हम क्या करेंगे, उल्टी चलाएंगे। तो अगर हम कोई सा भी पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब कोई सा भी अफर्मेटिव सेंटेंस लूं, मैं कोई सा भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस लूं तो उसमें क्या है, ये चीज फॉलो होगी। कोई सा भी अफर्मेटिव सेंटेंस लिया तो वो इसी ट्रिक के बेस्ड वो ट्रांसलेट होगा। ठीक है, अब कैसे इस ट्रिक को यूज करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये तीर आगे क्यों लिखा मैंने, मतलब कि हम इधर से चलेंगे। ठीक है, इधर से चलेंगे, किधर चलेंगे, इधर से चलेंगे। तो सबसे पहली चीज लिखने वाली क्या है, श्याम, क्या है, श्याम। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, श्याम लिख दिया। ठीक है, श्याम लिख दिया। अब क्या है, अब एक तीर ऐसे था, बाकी सब तीर कैसे, ऐसे है। तो क्या करेंगे, पहली चीज तो मैंने क्या लिख दी, ऐसे लिख दी। ठीक है, अब क्या करूंगा, पीछे से चलूंगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश उल्टी चलती है, तो यहां पर क्या लिखा है, रहा है, रहे हैं। ठीक है, क्या है, श्याम आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो रहा है लिखा है लास्ट में, तो रहा है से आपको क्या पता चल रहा है कि क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और क्या पूरा आपकी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो बस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। किसको देखकर, बस रहा है देखकर, रहा है, रही है देखकर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो स्ट्रक्चर की सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, जब भी आए तो क्या करते हैं हम, is, am और are helping verb का यूज करते हैं। I के साथ हम am का यूज करते हैं, he, she, it, name के साथ हम is का यूज करते हैं, you, we, they के साथ क्या यूज करते हैं, हम are का यूज करते हैं। तो यहाँ पर श्याम है, तो श्याम क्या है कि कोई नाम है, तो क्या लगाया मैंने, श्याम is। अब यहाँ पर करना, तो ये पूरा वर्ड होगा। ठीक है, इंतजार करना, तो इंतजार करने को क्या बोलते हैं, वेट, क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा मैंने वेट। ठीक है, तो वेट में क्या लगा दूंगा, ING लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इस क्लास में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। श्याम इज वेटिंग। अब उसके बाद में कहां आए हम, यहां पर आए, आपका, मतलब आपका से क्या रिलेट हो रहा है, आपके लिए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, के लिए क्या लगाऊंगा, फॉर लगाऊंगा। तो श्याम इज वेटिंग फॉर, अब आपका के लिए क्या लगाऊंगा, यू। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका
ट्रांसलेट हो गया। क्या किया हमने, पहले वाले सेंटेंस को आगे लिया और बाकी को सबको पीछे से लेते गए, ठीक है, बाकी सभी वर्ड को पीछे से लेते गए। तो श्याम लिखा मैंने, बाकी फिर पीछे से चलते गए हम, ठीक है। तो रहा है लिखा तो इज लिख दिया, इंतजार करने के लिए वेट लिख दिया, वेट में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये रूल है। और इसके बाद में फॉर यू, फॉर किस लिए लगाया, क्योंकि आपका मतलब आपके लिए इंतजार, तो के लिए क्या लगाया, फॉर लगाया, और यू आपका, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर मैं किसकी बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, या फिर अभी ये सेकंड वाला हम क्या देखते हैं, अफर्मेटिव ही देखते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव तो है पर यहाँ पर कुछ चेंजेसमेंट है, तो वो चेंजेसमेंट देखने हमें, आप सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपके लिए क्या करूंगा, फिर से वही रूल ये वाला, ठीक है, ये वाला रूल चलेगा हमारा। तो आपके लिए क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में, यू लिखेंगे, यू। अब क्या, उठते हैं, तो यहां पर क्या है लास्ट में, ते हैं, तो ताहे तीहे तेहे के लिए क्या बताया मैंने आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ताहे ती तेहे के लिए क्या लगाते हैं हम, अगर हमारा क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में हम हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, तो हम क्या लगाते हैं उसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा यू है, तो यू क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर पीछे से चलेंगे हम, तो उठना क्या होता है, देखो उठने के लिए हम क्या यूज करेंगे, गेट अप, यू गेट अप। देखो उठने के लिए दो चीजें यूज होती है, गेट अप और वेक अप, ठीक है। तो वेक अप का यूज कब करते हैं हम, जब हम बिस्तर पे ही हैं पर हमारी नींद खुल चुकी है, ठीक है। गेटअप का यूज कब करते हैं हम, गेटअप मतलब हम बिस्तर को छोड़ चुके हैं, ठीक है, थीके? तो गेटअप का यूज इसलिए किया है यहां पर हमने, यू गेटअप, उठते हैं। जल्दी के लिए क्या करूंगा, अर्ली, ठीक है, यू गेटअप अर्ली। अब सुबह, सुबह का मतलब है सुबह के टाइम में, ठीक है, सुबह का मतलब क्या है, सुबह के टाइम में, तो यू गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया, क्या किया हमने, यू ऐसे को पहले लिख दिया, फिर पीछे से चले, तो ताहे लिखा है, तो क्या करेंगे, वो रूल है, ठीक है। अगर यहां पर कोई दूसरी चीज होती तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते, तो इससे हम क्या है पहचानते हैं। तो उठने के लिए क्या यूज करेंगे, गेटअप का यूज करेंगे, जल्दी के लिए अर्ली का यूज करेंगे, और सुबह, सुबह के लिए मतलब सुबह के टाइम में, तो मैं के लिए क्या यूज करते हैं, इन और द मॉर्निंग के साथ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड वाला सेंटेंस जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, काफी बड़ा भी है, ठीक है, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वही हमारा ट्रिक। ठीक है, पर यहां पर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, क्या है कि अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है आपको, दिस इज कंपलसरी, ठीक है, ये कंपलसरी है कि आपको तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, चाहे आप कोई सा भी रूल फॉलो कर रहे हैं पर आपको तीसरे नंबर पर ही नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, राधा, राधा के लिए क्या लिखूंगा, राधा लिखूंगा, राधा के लिए क्या लिखा मैंने, राधा लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, पीछे गए हम, रही थी, तो रही थी वाली क्लास जस्ट आज से पहले वाली क्लास से जो मैंने पास्ट कंटिन्यूअस ही पढ़ाई थी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो रही थी के लिए क्या यूज करते हैं, वॉज या वर, अगर सिंगुलर है तो वॉज और अगर प्लूरल है तो वर। तो यहां पर राधा के साथ क्या लगाऊंगा, वॉज लगाऊंगा, ठीक है, राधा वॉज। अब यहां पर, अब मैंने बता ही चुका हूं थर्ड नंबर पर क्या, नॉट, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड नंबर पर नॉट, राधा वॉज नॉट, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पर ये ले लिया हमने बनाना, ठीक है, तो बनाने को क्या बोलते हैं हम, मेक, तो मेक के साथ क्या लगाऊंगा, आई एन जी लगाऊंगा क्योंकि ये रूल है, राधा वॉज नॉट मेकिंग। अब क्या करेंगे, रात का भोजन, अब रात का भोजन तो एक चीज है ना, क्योंकि रात के भोजन को क्या बोलते हैं हम, डिनर, क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। तो राधा वॉज नॉट मेकिंग डिनर, तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में आपको तीसरे नंबर की चीज क्या है, नॉट लगाना है, तीसरे नंबर पर क्या लगाना है, नॉट लगाना, चाहे सेंटेंस में नॉट का कहीं भी प्लेस हो पर आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पर
नॉट लगाना। आते हैं फोर्थ सेंटेंस पर। तो फोर्थ सेंटेंस क्या है, क्या आप मेरी मदद करते हैं, ठीक है, क्या आप मेरी मदद का, क्या आप मेरी मदद करते हैं। तो क्या आएगा सेंटेंस, देखो पॉजिटिव में आपको कुछ भी चेंज नहीं, ये रूल चलेगा। नेगेटिव में क्या है, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है। और अफर्मेटिव में क्या, सॉरी इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, आपको जो क्या लिखा है इसको क्या करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। इसके हम यहां पर क्या करते हैं, दो चीजों को वहीं पे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, दो चीजों को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे। देखो यहां पर आपको क्या करना है कि जो ये चीज है इसके अकॉर्डिंग ये यहीं पर ऐसा ही रहेगा, पर आप क्या करेंगे कि इसको तो एज इट इज किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मतलब कि यहां पर क्या आप मेरी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस में अगर क्या है, क्या पहले आया है, तो उस कंडीशन में तो हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है, जिसे डू डस लगेगा या वॉज वर्ब लगेगा उस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसे आपको, या आप इसे सबसे पहले लिखना है, आपको क्या करना है इसको सबसे पहले, पर ये सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग लिखाएगा, इसके अकॉर्डिंग लिखाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया मैंने, अब क्या के लिए क्या यूज करूंगा, यहां से यूज करूंगा, ठीक है, क्या के लिए, यहां से यूज करूंगा कि यहां पर लास्ट में क्या लिखा है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने ये लिखी है, इसलिए क्या के लिए मैं व्हाट नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर ये बीच में आता तो उस कंडीशन में क्या के लिए हम व्हाट का यूज करते, बट ये बीच में नहीं है, स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम, क्या आप मेरी मदद करते हैं, तो ता है, तिये ते है, मतलब डू या डज, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या है, अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो डू यू, अब क्या यू कहां से, ये वाला, ठीक है, मदद करने को क्या बोलते हैं, हेल्प, डू यू हेल्प, मेरी को, क्या आप मेरी मदद करते हैं, तो क्या आएगा, डू यू हेल्प मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या किया हमने, चार सेंटेंसेस लिए, उनको ट्रांसलेट किया, ठीक है। आप इनको एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं, यहां पर चार सेंटेंसेस लिए, उन्हें एक ट्रिक फॉलो की मैंने, जो कि देखो 99% यूज होगी, पर कहां पर आई थिंक आपको पॉजिटिव सेंटेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी दिक्कत नहीं होगी, पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या है कि आप नेगेटिव सेंटेंस है तो तीसरे नंबर पर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहली जो वर्ड लिखी क्या लिखा है उसको लास्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जिसे लास्ट में क्या लिखा है, ताए तीए ते, राय रही रहे, रात रही थी रहते, या ताता ती थी ते थे, या गया था या था, जो भी आए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसको आप क्या करेंगे, आगे लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर चार सेंटेंसेस लिए, उन्हें हमने ट्रांसलेट किया विद ट्रिक, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन का यूज कर रहे हैं तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप डायरेक्टली बोल पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी सेंटेंस आपने सुना और आप डायरेक्टली उसे ट्रांसलेट कर पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मतलब आपका लेवल अच्छा है। पर अगर आपका लेवल अभी क्या है कि आप कॉपी पेन से बनाते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका लेवल खराब है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या है, एक जरूरत क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा होंगे, इंग्लिश में आप उतना ही अच्छा होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।